दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं रांची के सरना होटल में, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस के बिल्कुल पास में ही है। यहां डेली बल्क में 200 किलो मटन यहां बनाया जाता है। इनका जो मटन है रांची में बहुत ही पसंद किया जाता है। और यहां इस होटल में जो सबसे ज्यादा डिमांड है, यहां मिलने वाले चर्बी के चुस्ते की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आइए चलिए इनके मेकिंग देखते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। पीटर, तो आप ये सरना होटल चलाते हो, है ना? हाँ, मैं ही चलाता हूँ। आप मुझे ये बताएंगे कि सरना होटल इतना फेमस क्यों है, क्योंकि मैंने जिससे भी पूछा था तो सबने बोला था कि सरना होटल एक बार चले जाना। अपने जो मटन बनाते हैं लोगों को पसंद आता है, लोग सबको बताते हैं, तो वही खींचा चला आता है। तो जो सरना होटल है ना, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? ये एड्रेस दलादिली चौक नियर धोनी फार्म हाउस रिंग रोड। अच्छा, धोनी फार्म हाउस पास में ही है? पास में, बगल में ही, 500 मीटर दूरी में धोनी का फार्म हाउस है। तो ऐसा कभी हुआ है कि धोनी खुद खाने आए हो यहाँ पे? वो खुद आए नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिख जाते हैं, अनुमल दिख जाते हैं, वो उनकी वाइफ दिख जाती है, और उनके स्टाफ लोग भी आते हैं मोस्टली खाने के लिए आते हैं। सारे स्टाफ यहाँ खाने आते हैं, तो पार्सल भी जाता है। पता नहीं धोनी भी शायद मंगवाते होंगे पार्सल। अगर पार्सल जाते हैं तो कभी तो खा ही लेते होंगे। बाकी अंदर चलते हैं और प्रोसेस देखते हैं, ठीक है? चलिए आइए, दिखाते हैं। हाँ, तो हमारा भी मसाला जो रात समय जो प्रिपरेशन कर रहे थे, प्याज वाज भुंजा रहा था, अभी वो हो ही रहा है। तो हाँ, जो आपकी ये करी है, हाँ, ये आप रात से ही बना रहे? रात से ही, हाँ, रात से ही अपना प्याज हमारा भुंजाता है, जो 60-70 kg जो रहता है। तो यार, अगर किसी को पूरी मेकिंग दिखाने तो कैसे दिखाएगा? फिर उसे रात को ही आना पड़ेगा देखने के लिए। और अभी थोड़ी देर में हमारा मटन भी आ जाएगा। मटन कितना आ रहा है अभी आप? अभी मटन हमारा वही लगभग 80-90 kg भी आएगा। आज ट्यूजडे है, तो ट्यूजडे को भी 80-90 भेज देते हो? भेज देता हूँ। और वैसे बाकी दिनों में? बाकी दिनों में उसका डबल आप कर लीजिए। 160 किलो पर डे की सेल है तुम्हारी यहाँ? हाँ। इतने प्रेमी है क्या यहाँ पे लोग मटन लोग चिकन हैं खाने के लिए बस लोगों? अच्छा, आप सिर्फ मटन बनाते हो, चिकन नहीं बनाते? नहीं, चिकन नहीं बनता है। तो दोस्तों अभी ये लेकर के आए हैं यहाँ पे मटन, और ये खस्सी बकरे का मटन है। कितना लाए हो भाई साहब? 80 kg। 80 किलो, क्या बात है। देखो यार दोस्तों, 80 किलो की खपत है एक दिन में इनकी। ये है सरना होटल। तो ये शुरुआत में क्या बन रहा है इधर? ये यहाँ चावल चढ़ा हुआ है हमारा, ये अच्छा। दोनों में चावल चढ़ा हुआ है, जो कंटिन्यूस अभी 3 बजे तक चलते रहेगा। अच्छा, 3 बजे तक चावल ना, चावल ना। ये मिट्टी की चूल्ही बोलते हैं इसे। अच्छा, मिट्टी का चूल्हा जिसमें कोयला डाला जाएगा। अभी कोयला कौन सा यूज करते हो आप? कोयला हमारा ये पत्थर वाला कोयला आता है, जो हमें दिन भर ये कंटिन्यूस आपका 3-4 बजे तक ये जलते रहेगा। अच्छा, 3-4 बजे तक ये और बनता भी रहेगा, जलता भी रहेगा दिन भर ये कंटिन्यू, चावल भी पकता रहेगा। सही है यार। तो दोस्तों देख सकते हो ये बिल्कुल, ग्रेवी हमारा यहाँ मसाला रेडी हो गया है। अब इसे हम यहाँ दो में डिवाइड करने वाले हैं। क्वांटिटी में वही 80 kg आपके हिसाब से टाइमिंग हमारा यहाँ 10:30 से 3 बजे तक है। 10:30 से 3 दिन को 3 बजे तक खत्म हो जाता है सब कुछ एकदम। किसके साथ खाना पसंद करते हैं लोग इसको ज्यादातर? चावल के साथ ही पसंद करते हैं लोग यहाँ पर। यहाँ रोटी का सिस्टम नहीं है? नहीं, रोटी के नहीं है। तो ये अभी इस भगोने में पानी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हो? अभी इसमें हमारा मटन धुलाएगा। अच्छा, मटन धोओगे इसमें? हाँ जी। ये देखिए यार, ये 80 किलो मटन है। ये देखो दोस्तों, ये धुल रहा है मटन। हमारा मटन धुल चुका है, इसे अच्छे से साफ किया जा रहा है। तो ये डल रहा है मटन। तो दोस्तों ये देखिए, इसको बोलते हैं चुस्ता। ये देखो यार, इसके अपने राजस्थान में क्या कम चलता है, लेकिन पटना और रांची में बहुत, मतलब झारखंड में बहुत ज्यादा खाया जाता है। राजस्थान में तो बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि ये क्या चीज होती है। ये जैसे देख रहे आप, ये इतना बड़ा है, कम से कम ये आई थिंक 3-4 लोग खा पाएंगे ये। तो इसका रहता है 200 रुपए का एक चुस्ता। साइज के हिसाब से तो ये यार चुस्ता, मतलब ये क्या क्या पार्ट होता है? ये एक इंटेस्टाइन पार्ट है। कुछ लोग गलत समझते हैं। हाँ, ये गलत नहीं, स्टोमक का इंटेस्टाइन है, जिससे हमें चर्बी भर के इसको हम उल्टा कर देते हैं। हाँ। और ये खाने में बहुत मजा आता है, ये मटन से ज्यादा मजा आई, इतना पसंद करते हैं कि लोग 10 मिनट में ही खत्म हो जाता है। जैसे स्टार्ट होगा, हाँ, सब आते के साथ चुस्ता 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 करने लगते हैं। अच्छा, मतलब 10 मिनट में खत्म भी हो जाएगा? 10 मिनट में एकदम, देखिएगा ना आप कैसे खत्म हो जाएगा। अरे यार, पूरा जो इन्होंने ये मटन जो है इसमें डाल दिया है धो करके अच्छे से, MDH का गर्म मसाला। हाँ, ये लास्ट ऊपर से मसाला डालते हैं। अच्छा यार, इतना गर्म मसाला डालते लोगों को ऐसे
जलन नहीं होती? एकदम नहीं होते, अभी और डलाएगा मसाला। वो था गरम मसाला, ये है मीट मसाला। दोस्तों आप देख सकते हो, मतलब ये झारखंड और ये पटना साइड में जो है ना, ये मसाले और जो गरम मसाला होता है ना, चटपटा खाना बहुत पसंद करते हैं। ये गोलकी है? अच्छा, नहीं बस गोलकी है ये, ब्लैक पेपर। अच्छा, तो काली मिर्च भी डलती है इसमें? अब ये क्या लगा भाई साहब? ये धनिया है। तो एक बार तो धनिया डलता है जब आपकी ये करी मेकिंग हो रही होती है। हाँ। और उसके बाद एक बार धनिया वापस से डलता है जब पूरा ये मसाले वसाले और मीट डल जाता है ना। तो पीटर, आप जो आपने बताया था आप पत्ते में सर्व करते हो, तो हाँ। कौन से पत्ते होते हैं वो एक बार दिखाओ। सखुआ का पत्ता होता है, ये हमारा आप ही गया है सखुआ का पत्ता। अच्छा हाँ, अच्छा ये वाला है क्या? यही हमारा सखुआ का पत्ता होता है। अच्छा, रांची के लोगों को इसमें खाना बहुत पसंद आता है। अच्छा। दोना जिसमें हम मीट सर्व करते हैं, रेडी हो गया था चावल, ये हमारा भी इधर हो गया है। अच्छा, अभी एक पसा रहा है, पूरा इससे पूरा पानी निकाला जा रहा है, इसका पूरा पानी निकाल रहे हैं ना, निकाला जा रहा है, एक का निकल गया है पानी, ये देख सकते हैं आप। अरे वाह यार, देखो गरम गरम चावल है। चावल यार यहाँ पे थोड़े मोटे हैं। हाँ, हल्के से मोटे होते हैं यहाँ पर, लेकिन सॉफ्ट है। बस यार इसकी ग्रेवी जो है ना, उसमें तो मोटा चावल मतलब बढ़िया मजा आ जाता है भाई। और यार खुशबू जो थी ना उसकी, क्योंकि मटन जब देसी है तो चावल भी देसी होना चाहिए। सही बात है। तो वो जो अभी अपन ने मटन जो पूरा रेडी किया था है ना, वो वहाँ पे जो हो रहा है वो कितनी देर में बन करके रेडी हो जाएगा? ये हमारा आधा घंटा में ये भुजा जाएगा। तो कुल मिला के भी आधा घंटा लग ही जाएगा इसमें? आधा घंटा लग जाएगा। हाँ, तो दोस्तों बस ये अब आधे घंटे में जैसे ही रेडी हो जाएगा फिर हम अपनी थाली लगवाएंगे यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये है होटल 5000 खीर मोहन, यहाँ पर मिलता है और ये सब कुछ आपको मिलता है मटकी में। दिखा रहे थे आप? अच्छा, मतलब इस पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है आपकी दुकान पे? ये सब खाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, लालू यादव, अच्छा इन सब लोगों ने आपके यहाँ से खाया है? महेंद्र सिंह धोनी ने भी खाया है? अच्छा, उनका तो ये बगल में ही है फार्म हाउस। कितनी दूर है यहाँ से? बस 200-300 मीटर की दूरी पर है। 200-300 मीटर की दूरी पर है धोनी का फार्म हाउस, बहुत बढ़िया। तो चले अंदर सर, हमको भी खिलाइए, देखते हैं कैसा है। आइए रांची में देखिए, यहाँ पर ये खीर मोहन मिलता है। मीठे के अगर आप शौकीन हैं तो आपको पता होगा खीर मोहन क्या होता है। और खीर मोहन छेने से बनता है, बहुत ही बढ़िया ये एक स्वीट डिश होती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रबड़ी के साथ यहाँ पे सर्व किया जाता है इसको, बहुत ही शानदार। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये है रबड़ी और ये रबड़ी डल रही है इसमें। ये देखिए कितना सही है यार, क्या माहौल है। और ये मैं एक बाइट आपको लेकर के बताता हूँ। तो ये देखिए ये पहला बाइट, अब ये खा करके देखते हैं। बहुत बढ़िया है, मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं है कि उससे टेस्ट दब जाए, टेस्ट बहुत सही आ रहा है और रबड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये। हालांकि मैंने राजस्थान में भी एक बार खाया था, लेकिन राजस्थान में रबड़ी के साथ नहीं मिलता, रांची में ये रबड़ी के साथ मिलता है। अगर दोस्तों अगर आप मीठे के शौकीन हो तो यहाँ पर आइएगा, मटकी में सर्व होता है, पैक करा के भी लेके जा सकते हो। और इसका जो एड्रेस है, जो धोनी क्रिकेटर धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, उनके फार्म हाउस यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। आपको ये इसी रोड पे आपको ये दुकान दिख जाएगी और यहीं पास में और भी बहुत सारी नॉनवेज की दुकान है, अगर आप नॉनवेज खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, मीठा खाना है तो आप यहाँ जरूर आइएगा एक बार। धनबाद से आए? धनबाद, मतलब ये जो मेरे फ्रेंड है ये धनबाद से है, बोल रहे कि इधर का बहुत टेस्ट लगता है भाई, पतल पे देता है ना, तो बोल रहे कि खा के ही जाएंगे। तो हम बोले भाई एकदम खिला के जाएंगे, वेट करो। बहुत बढ़िया यार, तो भूख लगा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये पत्तल धुल रहे हैं और ये यहाँ पे इन्होंने लगा दिए हैं धुल करके रेडी। कस्टमर ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ अंदर लोग वर्ग बैठने आ गए हैं, मतलब एकदम आ गए हैं। सही है। तो ये क्या बोल रहे थे भाई साहब आपको? अभी पका भी नहीं है, मांग रहे हैं भाई साहब। तो आपको भूख लगी है क्या? सरना होटल की यहाँ पे रांची में। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये है चुस्ता बोलते हैं इसको, झारखंड रांची पटना में बहुत चलन है इसका। ये प्योरली फैट है ना, ये मटन से ज्यादा बढ़िया लगता है। ये भैया लोग है सब चुस्ता लवर, देखिए लोग चुस्ता ही मांग, कच्चा ही है, चुस्ता लवर से ही है ये, चुस्ता लवर पहले से आ गए हैं लोग। तो मतलब ये जो बन रही है देग है ना, तो ये एक देग कितनी देर में खत्म हो जाएगी? ये आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। आधे घंटे में एकदम? अच्छा, तो ये क्या हो रहा है? ये चुस्ता कटिंग हो रहा है। चुस्ता कटिंग? अच्छा, चुस्ता भी अभी सही से पका नहीं, लेकिन लोग मांग रहे हैं कि लाओ चुस्ता। मतलब चुस्ता तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। हाँ, लेकिन इसे टाइम लगता है थोड़ा सा इसे पकने में। तो ये प्योरली फैट है ना? हाँ। किसके लिए? हड्डी बोन। अच्छा, बोन्स के लिए अच्छा माना जाता है।
बहुत बढ़िया दोस्तों, ये देख सकते हो चुस्ता की कटिंग हो रही है। और आप ऐसे कटिंग करके ही देते हो या? हाँ, ये हाँ, लोग जैसा डिमांड करते हैं कटिंग करके दो तो वो आराम से खा लेते हैं। अच्छा हाँ, तो अभी ये पूरी तरीके से पकने में कितना टाइम लग जाएगा? अभी इसमें पानी डलाएगा तो पानी डालने से पहले ही लोग मांग रहे हैं कि लाओ भाई। तो अभी मतलब पूरा पकने में कितना समय लग जाएगा? और आधा घंटा और लगेगा। और आधा घंटा लग जाएगा। चलिए यार बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से देखिए ये दोने में डालते हैं। ये देखिए ये डल रहा है यार। ये देखिए ये है माहौल रांची का, महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस के बगल में। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस के बगल में इजीली आपको मिल जाएगा। सब वहीं रहते भी है धोनी। अच्छा, सब वहीं रहते हैं? पूरा फैमिली रहता है। पूरा फैमिली रहता है। बहुत बढ़िया यार। ये देखो दोस्तों, ये प्रिपरेशन होती है इनकी। पत्ते पे पहले चावल बिछाए जाते हैं, ये चिप्स बोलते हैं इसको। और इसके बाद में ये देखो मटन को दोने में रख के इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। और अभी ऐसा का ऐसा सर्व हो जाएगा यहाँ पर। ये भाई साहब को बहुत भूख लगी थी। तो चुस्ता आपने मंगाया था ये? अरे वाह, बहुत मजा लगता है। खाओ खाओ खाओ, खा के दिखाओ कैसे खाते हैं इसको। ये देखो अलग पीस है यहाँ पे, यहाँ पे अलग पीस है। और इसमें इन्होंने चुस्ता डलवाए हैं। अपने अपने अकॉर्डिंग लोग कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग लेते हैं लोग यहाँ पे। बहुत मजेदार वाला चीज है। बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो ये एंजॉय करें अपने खाने को, हम भी थोड़ी देर में एंजॉय करेंगे। सिटिंग भी है, साफ सुथरा है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे प्रोसेस बन रहा है। अब भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है। 9:30 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का। तो अभी हम भी हमारी प्लेट लगवाएंगे और आपको खा करके बताएंगे कि कैसा है। हाँ तो पीटर, मतलब कैसे लगती है थाली में, क्या क्या रहता है बताना थोड़ा। यहाँ एक प्लेट चावल लगेगा अभी। तो चावल की एक सर्टेन क्वांटिटी होती है ना? हाँ, बीच में डालता हूँ। दो कटोरी देती है बीच में हम लोग देते हैं। दो के बाद, इसके बाद इसमें हम चटनी डालते हैं। ये कौन सी चटनी है, क्या क्या है इसमें? ये धनिया पत्ता टमाटर मिर्चा चटनी है जो यहाँ बहुत फेमस है। चटनी भी हाँ, चटनी के लिए बोलते हैं बहुत हम चटनी खाना। और ये सलाद, मतलब ये आप दे रहे हो प्याज का प्याज टुकड़ा। और ये हमारा चिप्स, ये चिप्स को क्या बोलते हैं? चरबूता बोलते हैं यहाँ लोकल में। तो अब इसमें हम लगाते हैं मटन। ये लग कर के आएगा यहाँ पर इनका ये देख, देखो पूरा ये। अब इसमें से पीस निकाल के डालेंगे ना? हाँ हाँ, दोने में। ये है चुस्ता। खा पाओगे भी आप? आप खा पाओगे? अरे पूरा दे रहे हो क्या? एकदम? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं खा पाऊंगा मैं तो इसको। आप कटवा दो यार, थोड़ा सा ही खाऊंगा मैं ना। अच्छा दोस्तों, ये पूरा चुस्ता दे रहे हैं मेरे को, मैं तो नहीं खा पाऊंगा इतना फैट। लेकिन आप काट दो इसको, थोड़ा सा मैं ले लूंगा इसमें से। ऐसे करके तो ये काट रहे हैं। देखो ये देखो पूरा फैट होता है यार, देखो किस तरह से ये अंदर। और ये बकरे के पेट की चर्बी होती है, मतलब इंटेस्टाइन होती है। तो ये डल गया हमारा है चार पीस। तो ये कैसे लगती है यहाँ पे? ये देखिए एक पीस और डाल दिया इन्होंने। और ये होता है इनका, देखो ये भी चर्बी होती है एक तरीके की। ये देखिए ये चर्बी यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, फैट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये करी डल गई है यहाँ पर। इसमें चुस्ता डाला था क्या आपने? चुस्ता नहीं डाला है, चुस्ता का एक पीस डाल देना बस। मैं बस, तो कुछ लोग यहाँ पे पूरा पूरा पीस भी लेके जाते हैं, एकदम पूरा लेके चलाते हैं। बहुत लोग होते हैं शौकीन जो होते हैं। अच्छा, खाने पीने के बहुत दीवाने हैं, खासकर नॉनवेज मटन। चुस्ता वहाँ है, चुस्ता लेकर। तो ये चुस्ता का पीस है, एक पीस हम इसमें डलवा रहे हैं। तो ये हमारी प्लेट लग गई है। ये देखो यार, तो दोस्तों अब ये है हमारी प्लेट। अब मैं आपको, देखो ये है हमारी प्रिपरेशन। अब मैं आपको खा करके बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। ये पत्ते में, पत्ते के दोने में इन्होंने ये सब्जी दी है, इसको थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं। और ये चावल हैं, चावल मोटे चावल हैं यहाँ पे, और ये भट्टी पे बाहर बन रहे थे। और ये फिंगर चिप्स ये देते हैं साथ में, और ये चटनी है। तो अब मैं आपको पीसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो ये, सबसे पहले तो क्या है इसमें रस है ना, ये देखो इसमें डाल देते हैं क्योंकि ये डुलेगी अगर मैं इसको हाथ में लूँगा तो। ये चुस्ता है, ये जो गिरा है ना सबसे पहले, चलो मैं आपको यही दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं चुस्ता। और ये फैट होता है बकरे का। और जब मैंने बात की थी तो इन्होंने बताया था खस्सी बकरा ये यूज़ करते हैं यहाँ पे, खस्सी बकरे का बहुत ज़्यादा चलन है। और ये उसका चुस्ता है, ये देखो यार बहुत गर्म है एक्चुअली। ये प्योरली फैट है, आप देख सकते हो ये पूरा, ये देख रहे हो ये पूरा फैट है ये। तो फैट यहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लोग जो शारीरिक काम होते हैं ना, हार्ड वर्क बहुत करते हैं। अपन तो हार्ड वर्क से दूर दूर तक। तो इसको एक बार खा करके देखते हैं, इसका टेस्ट लेके देखते हैं। गरम है चावल भी। तो दिस इज़ माय फर्स्ट बाइट। जो चुस्ता तो क्योंकि फैट है बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाएगा आपको, और जो फैट का टेस्ट होता है वो देगा। और उसके अलावा जो इनकी, आपने देखा था जब करी बन रही थी, तो जब करी मेकिंग होती है तो ये बहुत सारे मसाले डालते हैं, गरम मसाले डालते हैं। अच्छा, खुद के पिसे हुए डालते हैं वो अलग, और पैकेट वाले होते हैं वो अलग डालते हैं। इसीलिए जो इनकी जो ये ग्रेवी है ना, बहुत ही चटपटी है। और इन्होंने बताया था चटपटी यहाँ पे खाना बहुत पसंद करते हैं लोग।
हाथ से खाया जाता है, चम्मच नहीं देते यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन पीस की, अपन को कौन से पीस मिले देख लेते हैं। गरम गरम है, धुआं निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ये देखो इसकी पकावट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हालांकि अभी जस्ट बना है इसलिए थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन ये आप देखिए, ये देख रहे हो मतलब पक गया है, लेकिन अभी जस्ट निकला ही है तो थोड़ा सा ऐसे खिंचाव करके है। अब इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसमें और डाल देते हैं ये इसकी ग्रेवी। ये देखो यार, ये है माहौल। अब पीस के साथ इसको खा करके देखते हैं। गर्म है बहुत। देखो पूरा खेल जो है ना वो ग्रेवी का है, इनकी जो करी है ना वो, जो लोग फैट पसंद करते हैं वो ऐसे चुस्ता जैसे, और जो अलग से भी फैट इसमें डाला जाता है। पीसेज आप जो चाहें वो इनसे मांग सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब बात की थी तो ये बोलते हैं कि डिमांड पे, जो लोगों की डिमांड होती है उस तरीके से पीस ये देते हैं। ये चिप्स है, फिंगर चिप्स, इसको भी इसमें डाल देते हैं और एक बार खा करके देखते हैं इसके साथ। करी बहुत सही है इनकी, चटपटी करी है एकदम, रांची का एक अलग स्वाद। जगह भी खास है, और जगह में क्या खास बात है मैं बता देता हूँ। सरना होटल की लाइन में ही सिर्फ 200-250 मीटर की दूरी पे धोनी जो क्रिकेटर है उनका फार्म हाउस है, और इन्होंने बताया था वो भी आते जाते यहाँ से, कभी कभार ये लोग देख लेते, और उनका स्टाफ यहाँ से मंगवाता है खाना और खाता है। अभी चटनी है, इन्होंने चटनी दी है ये वाली, मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये प्याज और धनिया लहसुन पुदीना मिला करके चटनी बनाई गई है। इसको अपन एक बार चावल के साथ खाते हैं। प्याज की जो होती है ना वो कूटते हैं अपन घरों में, अपनी घरवाली थोड़ी दरदरी होती है, लेकिन ये फाइनली ग्राइंड की हुई है, टेस्ट बहुत सही कर रही है। मैंने देखा लोग सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 7:30 बजे, 7:30 बजे आए थे हम, तब तो इनकी करी रेडी हो गई थी ऑलरेडी। फिर उसके बाद इनका मटन आया था, वो मटन प्रोसेस हमने आपको दिखाई थी। यहाँ पे लोग 9, 9:30, 10 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना मतलब फुल हो रखा है अभी, और इनका कहना है कि 3 बजे तक ये सब कुछ बेच बाज के चले जाते हैं, क्योंकि टेस्ट भी है। हालांकि अपन ये ज़्यादा खाते नहीं है फैट वगैरह, बट यहाँ पे मैंने देखा एक पूरी प्लेट में एक पूरा चुस्ता लगवा लिया था। एक कस्टमर आए थे, उन्होंने पूरा एक चुस्ता लगवाया, और पीटर बता रहे थे कि ये चुस्ता 2 लोग खा सकते हैं, लेकिन वो एक आदमी ने अकेले ऑर्डर किया था। बहुत बढ़िया है। अगर आप रांची आते हो तो ये रांची में एक फेमस जगहों में से एक है, जहाँ पर आके आप ये पूरी प्रिपरेशन खा सकते हो। इस पूरी प्रिपरेशन की जो प्राइस है वो 130 रुपीज़ है ओनली। यहाँ पे मैंने देखा मटन मतलब अपने राजस्थान से सस्ता है। मतलब पूरा खेल ग्रेवी का है, मैं अभी भी कह रहा हूँ पूरा खेल इनकी जो करी है ना उसका है। मटन, एक मटन पीस और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पीसीज ये बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। ये देखिए चाप का पीस है, पूरे भरे हुए मटन है। हमने नली लिया था, नली में भी पीस में मटन बहुत अच्छे से था। चाप में भी देखो मटन बहुत अच्छे से गला हुआ है, ये देख सकते हो इसके गलावट, आप बहुत इजीली निकल जाएगा। तो बहुत हमने जब आए थे हमने देखा मटन को ये आराम से 2.5 से 3 घंटे तक पकाते हैं। हमें ये बताते हैं कि इनका 200-250 किलो बिकता है, मतलब ये बहुत ह्यूज क्वान्टिटी है। कि सुबह सुबह ये प्रिपरेशन खाना मेरे लिए थोड़ा सा अलग है। अगर आपको पसंद, आप पसंद करते हैं तो बिल्कुल आइएगा, टेस्ट एक नंबर है इसका। की रेटिंग अब मैं आपको दे देता हूँ, आपको स्क्रीन पे इसकी रेटिंग दिख रही होगी। करी बहुत अच्छी है इनकी, पीसेस टेंडर हैं, और चावल के साथ खाया जाता है। इसको मटन भात बोला जाता है यहाँ पे, चिप्स के साथ देते हैं। रांची में बहुत कुछ और भी एक्साइटिंग और यूनिक आपको आगे देखने को मिलेगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, आगे और भी ऐसे ही वीडियोज़ आएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रिपरेशन, खा करके हमने आपको बताया, रेटिंग और प्राइस आपने इसकी जान ली। और मैं आपको बता दूं हम हमारी वीडियोस यूट्यूब पे तो डालते ही हैं, उसके अलावा मैं मेरी वीडियोस को फेसबुक पे भी डालता हूं और इंस्टा पे भी डालता हूं। इंस्टा पे आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, हम कहां जा रहे हैं, क्या नेक्स्ट हम शूट करेंगे। इवन रांची आने से पहले भी मैंने अपडेट दे दिया था कि मैं रांची जा रहा हूँ, अगर आपके कोई सजेशंस हो। इवन ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। और अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप मेरी किसी भी वीडियो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ, और अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन किसी और नए रांची के जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।